आज जन सुनवाई हो रही है दिल्ली में सीवर कर्मचारियों की जो हालत है उसमें एक मुख्य संगठन है दसम दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच उसकी ओर से और इसमें बहुत सारे और भी संगठन हैं और एक ट्रिब्यूनल है उसके आयोजन का मेन आयोजनों में से एक आईना हमारे सामने है। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर इतना बड़ा जो आयोजन आप लोग कर रहे हैं इसका मकसद क्या है। ये जो जन सुनवाई हो रही है सीवर वर्कर्स के लिए ये बेसिकली इसीलिए हो रही है क्योंकि कई न्यूज़ रिपोर्ट में भी आया है कि हर 5 दिन में एक आदमी ज़रूर मरता है सीवर के उससे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी हाल फिलहाल में गाइडलाइन में कहा है कि कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने देशवासियों को गैस चैम्बर में घुसने के लिए भेजता है। तो जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे थे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत केसेस हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, जो सामने नहीं आ सकते, जो मर जाते हैं उनके लिए तो मुआवजा मिल जाता है लेकिन जो लोग जीते हैं, जो लोग उसके उस हादसे के से की वजह से आगे काम नहीं कर पाते, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं उनके लिए कुछ नहीं होता है। और क्या जो मृतक हैं, जिन लोगों को जो मुआवजा मिलता है, क्या वो काफ़ी है? इन सब मुद्दों को देखते हुए एक ज़रूरत महसूस करी गई कि एक जन सुनवाई हो जहाँ पे वो लोग आ पाएँ जो बच्चे हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं या जो लोग मर गए हैं उनके घर वाले आ पाएँ, उनकी स्थिति को बता पाएँ। तो इसके कारण की वजह से जन सुनवाई रखी गई। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस पे लगातार आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने या तमाम कोर्ट्स ने ये कहा है कि कोई भी देश अपने लोगों को गैस चैम्बर में नहीं डालती है, लेकिन यही एक ऐसा देश है जहां लोग बड़े आसानी से मिल भी जाते हैं और लोग उतर भी जाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसके पीछे की जो पूरी जो मानसिकता है, वो मानसिकता भी कहिए या ये कह सकते हैं कि जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो परिदृश्य है जिसमें ये लोग काम करते हैं, तो उसका क्या रोल है इस तरह के कि मौत के मुंह में चले जाते हैं? देखिए, सामाजिक जो व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है कि कौन लोग जा रहे हैं मैनुअल स्कैवेंजर में। ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जिनको हम आज के टाइम में पिछड़ी जाति कहते हैं, ज़्यादातर वही लोग होते हैं या फिर कुछ वो लोग होते हैं जो कि जिनको जो गरीब होते हैं, जिनको कोई और वो इस कार्य में इसलिए जाते हैं, एक तो उनके पास काम नहीं है और इस काम के लिए उन्हें कई बार ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हाँ चलो 200-400 रुपये ज़्यादा कमा लेंगे, जिंदा मरने का तो कोई लोग कम ही सोचते हैं। तो एक तो पिछड़ी जाति और एक आर्थिक व्यवस्था, ये दो बड़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग में घुसने के लिए। और इन केसेस को देखते हुए हमने ये भी देखा कि कई बार ये लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं वो काम कोई और कर रहे होते हैं लेकिन जो उनके मालिक होते हैं वो उन्हें फोर्स करते हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा नहीं तो हम तुम्हें दिहाड़ी दे देंगे। तो मजबूरन वर्ष ऐसे ये जो सिस्टम बना हुआ है और जो लोग उन्हें भेजते हैं उनको फिर क्या कहते हैं आसानी से बेल मिल जाती है। तो ये क्या क्या सिस्टम है ये सब मैनुअल स्कैवेंजिंग को चाहे हम कितने भी लॉस पास कर लें लेकिन जब तक सीरियसली कुछ होता नहीं, जब तक आसानी से बेल मिलती रहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। जी, ये थे आईना। इन्होंने काफ़ी विस्तार में चीज़ों को सामने रखा है, खास करके सफाई कर्मचारियों के बारे में, उनके सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। तो हमें उम्मीद है कि इस जन सुनवाई से आगे की एक कड़ी जुड़ेगी और बड़े स्तर पे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको न्याय मिलेगा, उनको सम्मान मिलेगा और हर स्तर पे मिलेगा। और ये बनने के लिए मैं हिम्मत सिंह।